की। गहरे समुद्र में जाकर उन्होंने उस जगह पर प्रार्थना की जहां भगवान श्री कृष्ण का जलमग्न द्वारका शहर है। समुद्र से बाहर निकलकर पीएम मोदी ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। साहस से ज्यादा सद्दत मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। बता दें कि पीएम मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर थे। दूसरे दिन रविवार को पीएम ने यहां पहले बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी द्वारका के पंचकुई समुद्र तट पर पहुंचे, यहां उन्होंने स्कूबा डाइविंग भी की। पीएम मोदी गहरे समुद्र में गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां भगवान श्री कृष्ण का जलमग्न द्वारका शहर है। ये प्राचीन शहर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है जो भव्यता और समृद्धि का केंद्र था। स्कूबा डाइविंग के समय उनकी सुरक्षा में भारतीय नौसेना के अधिकारी तैनात रहे। बता दें कि द्वारका में एडवेंचर स्पॉट और टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम मोदी ने स्कूबा डाइविंग की। पीएम मोदी ने स्कूबा डाइविंग के जरिए भगवान श्री कृष्ण से अपने गहरे जुड़ाव को उजागर किया। उन्होंने इसको लेकर कहा कि ये एक दिव्य अनुभव था, ये मेरे लिए एक समय यात्रा की तरह है। साहस से ज्यादा सद्दत मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा हूँ। पीएम मोदी इसके पहले लक्षद्वीप में भी स्कूबा डाइविंग कर चुके हैं और तब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। दरअसल स्कूबा डाइविंग में पानी की गहराई में तैरना होता है, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और तैराकी वाले पोशाक की जरूरत होती है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।